क्रॉम्पटन जूनो 10 लीटर 5 स्टार इस गीजर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके गीजर के नाम में ही हमें देखने को मिलता है कि फ्री इंस्टॉलेशन, लेकिन इसके बॉक्स के अंदर में हमें इनलेट और आउटलेट वाला पाइप देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप इस गीजर को यूज़ करेंगे तो कितना जल्दी ये पानी गर्म कर देगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और कितने लोगों के लिए बनाया गया है गीजर, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर आप इस गीजर को खरीदने वाले तो इसको खरीदने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप इस गीजर को खरीद भी सकते हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ऑर्डर कर लीजिएगा। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए और गीजर के बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। दोस्तों, ये जो क्रॉम्पटन जूनो 10 लीटर का गीजर है, इसमें सबसे पहले अच्छी बात यह है कि इसमें बिजली बिल आपको काफ़ी ज़्यादा कम आता है और काफ़ी लंबे टाइम से यह गीजर जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। इसमें गीजर में आपको इंस्टॉलेशन तो फ्री मिल जाता है, लेकिन कनेक्टिंग पाइप जो होता है इनलेट और आउटलेट वाला, उसका कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो मे बी इसके बॉक्स के अंदर में आपको पाइप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बेसिकली जितने भी गीजर आते हैं बहुत सारे, बजाज के भी और भी अदर अदर ब्रांड्स के, तो वहाँ पे पाइप जो है वो नहीं देखने को मिलता, अलग से ही लेना पड़ता है। तो आपको डेफिनेटली अलग से बाई करना पड़ेगा। तो एक बेस्ट पाइप का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो गीजर तो बढ़िया है, चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि पानी गर्म करने में कितना समय लगाता है। अगर 10 लीटर का वाला गीजर का बात करें तो यहाँ पे पानी को गर्म करने में 8 से 10 मिनट और मैक्सिमम 12 मिनट तक का समय लगता है। पानी जो है वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है, लगभग 75 डिग्री सेल्सियस तक पानी इसमें गर्म हो जाता है इस गीजर में। साथ ही में इस गीजर का जो लेयर है उसमें 3 लेवल सेफ्टी भी देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी सारे लेयर्स की प्रोटेक्शन हमें इस गीज़र में देखने को मिल जाती है। साथ ही में यह जो गीज़र है वो 8 बार प्रेशर को झेल सकता है, यानी कि अगर आप एक हाई रेज बिल्डिंग में रहते हैं, 10-12 मंजिला बिल्डिंग है और आप सबसे नीचे वाले फ्लोर पे हैं, तो वाटर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, ये उसको झेल लेगा, ख़राब नहीं होगा। और इस गीज़र का जो इनर लेयर है वो एंटी रस्ट मटेरियल से बना हुआ है, तो गीज़र जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इनर लेयर जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लंबे टाइम तक ये टिक जाएगा। तो ओवरऑल गीज़र बढ़िया, आप इसको डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। इसको खरीदने का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं।